आईपीएल में शुक्रवार को खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 55 रन से हरा दिया। कोलकाता के खिलाफ नाबाद 93 रनों की धुआंधार पारी खेलने वाले दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच रहे। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में शुक्रवार को आईपीएल का 26वां मैच दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। टॉस कोलकाता ने जीता और दिल्ली को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए। दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा रन उसके नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने बनाए। श्रेयस अय्यर ने 40 गेंदों पर 10 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाबाद 93 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 164 रन ही बना सकी और दिल्ली ने 55 रन से मैच जीत लिया। कोलकाता की तरफ से सबसे ज्यादा रन आंद्रे रसल ने बनाए। आंद्रे रसल ने 30 गेंदों पर 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 44 रन बनाए। कोलकाता के खिलाफ नाबाद 93 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच रहे। श्रेयस की कप्तानी में पहली बार दिल्ली ने कोई मैच खेला था। पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 टीमों की बात करें तो 10-10 पॉइंट्स के साथ चेन्नई पहले, हैदराबाद दूसरे और पंजाब तीसरे और 6 पॉइंट्स के साथ कोलकाता चौथे नंबर पर है। वहीं जीत के बाद दिल्ली 4 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।